तो आपने बहुत सी नदियाँ देखी होंगी और ज़्यादातर नदियों का रंग सफ़ेद और नीला होता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं रंगों की नदी के बारे में। ये नदी कोलंबिया में है और इसका नाम है कैनो क्रिस्टेल्स नदी। ये नदी अपने रंगों के लिए मशहूर है, इसे लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। 100 किलोमीटर लंबी इस नदी में ज़्यादातर 5 रंगों के जलीय पौधे निकलते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले और काले। इनका रंग इतना अच्छा होता है कि ये बिल्कुल एक फूल जैसे दिखते हैं। इस नदी में बहुत सी गुफाएं भी पाई जाती हैं। कैनो क्रिस्टेल कई झरनों के साथ एक तेज़ी से बहने वाली नदी है। 2009 तक आतंकवाद और पर्यावरण के नुकसान के खतरे के कारण यहाँ पर टूरिस्ट को आने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन अब इस नदी को सीरा डेला मैकेरेना नेशनल पार्क में जाकर देखा जा सकता है, क्योंकि यह नदी सीरा डेला मैकेरेना पर्वत श्रृंखला के बीच है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।